वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों राजस्थान फायरमैन की वैकेंसी तो निकल गई, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के मन में अभी भी शंका बनी हुई है कि दोस्तों जो फायरमैन का डिप्लोमा है या फिर आपका फायर सब ऑफिसर का जो डिप्लोमा है वो अभी फॉर्म भरने के समय चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो अभी भी संशय बना हुआ है दोस्तों। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों कि विज्ञप्ति में क्या कहा गया है और हमें क्या करना है, या अभी कोई जो डिप्लोमा धारक ने जो एडमिशन ले रखा है क्या वो फॉर्म भर सकता है या पुराने वाले ही भर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा स्पष्ट कर देता हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं साथ ही बता देता हूं कि जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर जो जिनका डिप्लोमा हो गया और फायरमैन की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से वो जल्दी क्लासेज, जो ऑनलाइन क्लासेज है, लाइव क्लासेज, वो बहुत ही जल्दी आने वाली है। और उसके बाद में दोस्तों आप कंटिन्यू रहना। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि जो फॉर्म कौन भर सकता है, यानी कि जो डिप्लोमा वाला जो 10वीं पास है वो डिप्लोमा कर सकता है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात है दोस्तों, जो डिप्लोमा जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों, बाकी सूचना नहीं देखेंगे, सीधा उसी पर चलते हैं अपन। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये अलग से है दोस्तों, उत्कृष्ट जो खिलाड़ियों के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों, इसमें आपकी सब शंकाएँ दूर हो जाएगी। फॉर्म कौन भर सकता है इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, सबसे बड़ी बात तो है। सहायक अग्निशमन अधिकारी है दोस्तों, उनके लिए क्या है दोस्तों, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएट उपाधि एवं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर द्वारा संचालित सब ऑफिसर पाठ्यक्रम या केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं द्वारा कोई भी पाठ्यक्रम, यानी इसके लिए फायर सब जो ऑफिसर है उसका जो आपका पाठ्यक्रम कर रखा है अगर आपने, तो वो दे सकता है इसमें। और फायरमैन की बात करें दोस्तों, तो सेकेंडरी या उनके उसके समकक्ष अर्हता और केंद्रीय और राज्य सरकार में यथा विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा न्यूनतम 6 माह की अवधि का, कौन सा दोस्तों न्यूनतम है जो वो 6 माह की अवधि का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण के समकक्ष जो अर्हता आपके यानी योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो, साथ ही आपको देवनागरी लिपि यानी हिंदी आनी चाहिए, हिंदी लेखन कार्य में आपको, और साथ में राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान सभी को है दोस्तों, राजस्थान से आप फॉर्म भर रहे हो तो। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि कौन फॉर्म भर सकता है, जो जिन्होंने अभी एडमिशन लिया वो फॉर्म भर सकता है क्या, तो इसमें परंतु क्या दे रखा है दोस्तों, यदि फायरमैन के पद के लिए चयन है तो उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो, स्पष्ट कंडीशन तो दोस्तों ये है कि फायरमैन के पद के लिए चयन है तो आपने एग्ज़ाम दे दिया और जो उपयुक्त अभ्यर्थी अगर उपलब्ध नहीं हो तो अप्रशिक्षित अभ्यर्थी द्वारा चयन इस शर्त पर, यानी कि जो आपका जो जो आपने प्रशिक्षण नहीं ले रखा है डिप्लोमा का, उनका भी चयन इस शर्त पर किया जा सकेगा कि ऐसे अभ्यर्थियों को अपने चयन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, यानी चयन हो गया आज तो उसके 1 वर्ष के भीतर स्वयं के खर्चे पर या केंद्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या विधि द्वारा स्थापित कोई भी विश्वविद्यालय में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए किसी भी संस्थान द्वारा संचालित न्यूनतम 6 माह की अवधि का जो बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण उत्तीर्ण करेंगे। यानी दोस्तों अगर आपके पास बिल्कुल कोई भी डिप्लोमा नहीं है लेकिन उसमें एक शर्त ये डाली है दोस्तों कि चयन के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं हो तो, यानी अभ्यर्थी तो बहुत सारे हैं दोस्तों राजस्थान में, तो फर्स्ट ये शर्त थी। और दोस्तों उसके बाद में उसके उपरोक्त प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने का सबूत प्राप्त करने के पश्चात उनको फायरमैन के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि फायरमैन के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये फॉर्म जो अभी जो बंदा फायरमैन का कोर्स कर रहा है इससे तो ये स्पष्ट संकेत होता है कि जो फॉर्म है आपका अप्लाई करवा दिया जाएगा और उसके बाद में जो अर्हता है आपकी यानी योग्यता है वो दोस्तों आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको डॉक्यूमेंट चेक करवानी होगी। तो दोस्तों इसमें अगर स्पष्ट बात तो ये देखने वाली है कि जो 18 अगस्त से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, अगर 18 अगस्त को ही मैं आपको जो ये वीडियो बना दूंगा वापस कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या नहीं, क्योंकि फॉर्म में स्पष्ट दे अगर फॉर्म में रोल नंबर, अगर आपकी मार्कशीट के नंबर मांगे तो उसमें स्पष्ट दे रखा होगा कि आपको पहले चाहिए, अगर रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं मांगा तो सब उसमें भर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारे को कौन भर सकता है फॉर्म, उसके लिए आप 18 तारीख का इंतज़ार करें, 18 अगस्त तक। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों।
इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो फायरमैन के लिए क्लासेज हैं वो बहुत जल्दी आने वाली है। धन्यवाद।